वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं संस्कृति की अर्थ, परिभाषा एवं संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं तथा शिक्षा और संस्कृति के मध्य हम संबंध स्पष्ट करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, हम हमारे आम जिंदगी के बोलचाल की नॉर्मल भाषा में बोलचाल में हम हमेशा प्रयोग करते हैं हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ये है वो है। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि संस्कृति आखिर होता क्या है, संस्कृति शब्द का अर्थ क्या होता है, जो कि हमारे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में विधिवत इसके बारे में पढ़ाया जाता है, बताया गया है, इसका एक टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो चलिए देखते हैं संस्कृति का अर्थ क्या होता है। संस्कृति का अर्थ, जैसे कि साधारण शब्दों में, मनुष्य द्वारा अप्रभावित प्राकृतिक शक्तियों को छोड़कर जितनी भी मानवीय दशाएं हमें चारों ओर से प्रभावित करती हैं, उन्हीं की संपूर्ण व्यवस्था को हम संस्कृति कहते हैं, ठीक है। स्पष्ट है कि संस्कृति का तात्पर्य जो है वह शिष्टाचार के ढंगों अथवा विनम्रता भाव से नहीं, बल्कि संस्कृति एक व्यवस्था है जिससे हम जीवन के व्यवहारों के तरीकों, प्रतिमानों, बहुत से भौतिक और अभौतिक प्रतीकों, परंपराओं, विचारों, सामाजिक मूल्यों एवं आविष्कारों को सम्मिलित करते हैं। संस्कृति शब्द संस्कार से बना है। संस्कार का अर्थ होता है शुद्ध की क्रिया अथवा परिष्कार, मतलब कि किसी चीज़ का हम कहते हैं परिष्कार के कर देते हैं या उसको शुद्धि कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा संस्कार होता है और संस्कार से ही हमारा जो है संस्कृति शब्द बना है, इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। संस्कृत की परिभाषा से हम स्पष्ट कर लेते हैं जानकर कि संस्कृत क्या होता है, परिभाषाओं से अभी स्पष्ट होगा। जैसे हर्ष कोविड्स ने संस्कृत की बहुत संक्षिप्त परिभाषा देते हुए लिखा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ठीक है। ये किसने कहा है? हर्ष कोविड्स ने कहा है। ये नाम हम साथ में ध्यान में रखते हुए चलेंगे क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर में उन बच्चों को और अच्छे से इसे परिभाषाओं को ध्यान में रखना होगा क्योंकि वो अभी पहला जाएंगे जब पेपर देने, उन टर्म का तो पहला पेपर देंगे तो उसमें उन्हें उतना आइडिया नहीं होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव से पूछे जाते हैं और उसमें परिभाषाओं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और परिभाषाएँ देकर ये पूछा जाता है कि ये किसने कहा है, तो इसीलिए हम परिभाषाओं को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। जैसे हर्ष कोविड्स ने कहा है संस्कृत पर्यावरण का क्या है, मानव निर्मित भाग है, अर्थात हमें चारों ओर से प्रभावित करने वाली सभी दशाओं की संपूर्णता का नाम ही क्या है, संस्कृति है। जो हमें चारों ओर से प्रभावित करता है वही हमारी संस्कृति है, ठीक है। हम कहते हैं ना ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा सभी अक्सर आम बोलचाल की भाषा में हम लोग हमेशा कहते रहते हैं ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, ठीक है। टॉयलर ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में लिखा है संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और इसी तरह की उन सभी क्षमताओं का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। ये किसने कहा है? टॉयलर ने अपनी पुस्तक में लिखा है जिसका नाम है प्रिमिटिव कल्चर। इसे भी हम ध्यान में रखेंगे, इनकी पुस्तक का नाम और इनका नाम भी, और इन्होंने क्या लिखा है वो भी हम एक बार ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। रॉबर्ट वीर स्ट्रीट के अनुसार इन्होंने कहा है संस्कृत एक जटिल संपूर्णता है जिसमें वह सभी विशेषताएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते उन्हें अपने पास रखते हैं। जैसा कि अभी हम बार बार यही बात करते हुए आ रहे, जो हम अपने आम तौर पर बोलचाल की भाषा में कहते रहते ये हमारी संस्कृति है। तो जैसा कि रॉबर्ट वीर्स स्ट्रीट ने भी कहा है कि संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है जिसमें वो सारी विशेषताएं सम्मिलित होती हैं जिन पर हम विचार करते हैं और कार्य भी करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते उन्हें हम अपने पास भी रखते हैं, ठीक है। वो हमारी संस्कृति होती है। अब समाज क्या होता है ये भी हमारे बीएड में अक्सर पूछा जाता है, टीचर्स भी पूछते रहते हैं, वाइवा में भी पूछा जाता है समाज क्या है, ठीक है। और ये हमारा हमेशा मतलब बीएड के वाइवा में कोई भी टीचर, कोई भी एग्जामिनर आता है वो पूछ देता है समाज क्या है, ठीक है। तो समाज पे भी आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगी और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी कि समाज क्या होता है। जैसे समाज वो होता है जो हम सभी के द्वारा बनाया हुआ है, हम सभी ने मिलकर समाज का ही निर्माण किया, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं संस्कृत की क्या विशेषताएं हैं। संस्कृत की विशेषताएं बहुत व्यापक है, जैसे ग्राहता यानी कि इसे हम ग्रहण करते हैं, संस्कृत जो है वो ग्रहण की जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला है पॉइंट, इसमें संस्कृत ग्रहण की जाती है यानी कि ग्रहण की जाती है। मानव की शारीरिक संरचना इस प्रकार होती है कि अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित संस्कृति के साथ दूसरी संस्कृत को ग्रहण कर सकता है, अतः हम कह सकते हैं कि संस्कृति सर्वग्राही होती है, ठीक है। संस्कृत क्या होती है? सर्वग्राही होती है। जैसे कि हमारा
हम जब जन्म लेते हैं हमारे किसी न किसी सभ्यता संस्कृति किसी हम जिस समाज में पैदा होते हैं उसकी कुछ संस्कृति होती है, ठीक है। तो उस संस्कृति के साथ हम पैदा होते हैं, वो हमारे पास होती है, और जब हम बड़े होते चले जाते हैं, आधुनिकीकरण होता चला जाता है हमारा, तो कुछ संस्कृति हम समय के साथ बदलते रहते हैं। जब तो हम कुछ समय के हिसाब से जब परिवर्तन होता है तो हम कुछ और ग्रहण करते रहते हैं, ठीक है। तो वो हम अर्जित करते हैं, वो हमारी अर्जित की हुई संस्कृति होती है और कुछ पूर्वजों के साथ होती है। इसीलिए संस्कृति क्या है, सर्वग्राही है, ठीक है। इसे हम ग्रहण भी करते हैं और कुछ हम हमारे पास भी होती है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, सामाजिक विरासत। जो अभी जस्ट हमने ऊपर जो समझा पॉइंट, वही यहाँ पे दिया हुआ है सामाजिक विरासत में। जैसे कि संस्कृति सामाजिक विरासत का ऐसा लक्षण है जिसे मनुष्य अपने पूर्वजों से सीखता है। मनुष्य बिना किसी प्रयास के अचेतन मन से ही संस्कृति को सीख लेता है, ठीक है। बिना संस्कृति के आदर्श को सीखे मनुष्य समाज के साथ सामंजस्य नहीं बना सकता। समाज ऐसे व्यक्ति को स्वयं में सम्मिलित नहीं करता है। जैसा कि अभी जस्ट ऊपर बताया कि जो हर समाज की अपनी अपनी कोई ना कोई संस्कृति होती है, ठीक है। हम सभी को पता है, आप भी किसी समाज में, आप जिस समाज में होंगे उसकी अलग संस्कृति होगी, मैं जिस समाज में हूँ उसकी अलग संस्कृति है, कुछ ना कुछ अलग होता है। तो ये क्या होता है, अगर हम अपने समाज की संस्कृति को ग्रहण नहीं करते हैं तो समाज हमें कहाँ अपनाता है, नहीं अपनाता, ठीक है, हमारा बहिष्कार करता है, सम्मिलित नहीं करता है, ओके। ये है, ये तो संस्कृति क्या हुई, हमारी एक सामाजिक विरासत हुई। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा, संस्कृति सीखे हुए व्यवहार का प्रतिमान है। जैसे कि संस्कृति में अधिगम का गुण विद्यमान होता है, अधिगम मतलब सीखना, संस्कृति में अधिगम का गुण विद्यमान होता है, अतः संस्कृति सीखे हुए व्यवहारिक आदर्शों का संपूर्ण योग है। संस्कृति को समाज में लाकर ही सीखा जाता है, क्योंकि संस्कृति कोई जन्मजात गुण नहीं है। बालक जैसे जैसे समाज के संपर्क में आता है वैसे वैसे समाज की संस्कृति के आदर्श सीखता है। जैसे कि अभी हमने जस्ट ऊपर समझा कि जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई सभ्यता संस्कृति होती है उसे तो हम अपने साथ रखते ही रखते हैं। जैसे हम बचपन से उससे जुड़ जाते हैं तो वो हमारे साथ बचपन से ही रहता है, और जो हम समाज में आते हैं, जैसे हमारे पूर्वजों का भी जो संस्कृति और सभ्यता वो भी समाज से ही लिया हुआ है, तो वो हमारा समाज से सीखा हुआ होता है, ठीक है। संस्कृति के आदर्श सीखता है, ओके। अब जो है फोर्थ पॉइंट, संस्कृति एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे संस्कृति एक स्वाभाविक प्रक्रिया है क्योंकि मनुष्य जन्म के पश्चात स्वाभाविक रूप से संस्कृति के आदर्शों प्रतिमानों को स्वयं में आत्मसात करके उनका अनुसरण जो है करने की कोशिश करता है। इसीलिए संस्कृति क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब पाँचवा पॉइंट जो हमारा है वह है, संस्कृति मानव समाज का सार है। जैसा कि हम ऊपर समझते हुए आ रहे हैं, संस्कृति क्या है, हमारा मानव समाज का सार है। उसका यही अर्थ हुआ, जैसे समाज में नैतिक चारित्रिक एवं व्यवहारिक आदर्शों की झांकी संस्कृति में मिलती है, समाज की संस्कृति के मापदंड द्वारा किसी विशेष काल में समाज के विकास को मापा जा सकता है। और जो होता है, संस्कृति में हस्तांतरित होने का गुण होता है, ठीक है। जैसे कि संस्कृति के हस्तांतरण के कारण उसमें परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होता रहता है, क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी इसमें अपनी सुविधा एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करती है। जैसा कि अभी हमने जस्ट ऊपर समझा, जो संस्कृति है हमारे पूर्वजों से हम सीखते हैं, और जैसा कि परिवर्तन होता रहता है समय में, परिवर्तन तो संसार का नियम है, सभी को पता है, तो समय के साथ हम उसमें कुछ परिवर्तन परिस्थितियों के अनुसार करते रहते हैं, लेकिन ये क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ये हस्तांतरित होती रहती है। इसीलिए संस्कृति में हस्तांतरित होने का गुण होता है, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट जो हमारा है, संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। जैसा कि उपरोक्त बिंदु में स्पष्ट किया गया है कि संस्कृति अनेक इकाइयों का सुव्यवस्थित ढंग से संगठित रूप है। प्रत्येक इकाई का अपना एक अलग कार्य है। इन कार्यों के माध्यम से ही समाज के अंतर्गत व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ठीक है। इसीलिए क्या है, संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायक होती है। तो ये था हमारा संस्कृति का अर्थ, परिभाषा तथा ये संस्कृति की विशेषताएं क्या होती है, इस पर हमने चर्चा किया। अब हम देखते हैं संस्कृति एवं शिक्षा में क्या संबंध होता है, ठीक है। संस्कृति एवं शिक्षा में संबंध, किसी भी देश की शिक्षा इस देश की संस्कृति पर पूरी तरह से आधारित होती है। शिक्षा की सामग्री का निर्माण संस्कृति की सामग्री से ही होती है या होता है। बिना संस्कृति के शिक्षा का कोई भी महत्व नहीं है। समाज की संस्कृति के कारण ही शिक्षा में समाज की विशेषता होती है। प्रत्येक समाज अपनी शिक्षा की व्यवस्था अपनी संस्कृति के अनुरूप ही करता है, ओके। संस्कृत की सहायता से ही शिक्षा अपने उद्देश्य निर्धारित करती है एवं उनकी पूर्ति के लिए स्वयं संस्कृत की सहायता भी लेती है, ठीक है। कोई भी देश अपनी संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से ही अपने देश की शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा प्रणाली का निर्माण करता है, ठीक है। संस्कृत एवं शिक्षा के संबंध को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे पहला,
संस्कृत की निरंतरता में शिक्षा की भूमिका होती है तथा संस्कृत के हस्तांतरण में भी शिक्षा की भूमिका होती है। संस्कृत के परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका, व्यक्ति के सांस्कृतिक विकास में भी शिक्षा की भूमिका होती है और व्यक्ति के विकास में सहयोग तथा शिक्षा में संस्कृत का समावेश होता है। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने समझा कि संस्कृत क्या होती है, इसकी परिभाषाओं से हमने और स्पष्ट किया तथा संस्कृत की क्या क्या विशेषताएं होती है वो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और हम याद रखेंगे कौन सा परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, और संस्कृत और शिक्षा में क्या संबंध है इसे भी हम ध्यान में रखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतने, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी, एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, थैंक यू।